देश भर में आज असंगठित कामगारों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना की शुरुआत हो गई है। इस योजना का शुभारंभ पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात से किया। वहीं ऊना में योजना के शुभारंभ अवसर पर हिमाचल प्रदेश औद्योगिक विकास निगम के उपाध्यक्ष प्रोफेसर राम कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस योजना का लाभ 18 से 40 साल की आयु के कामगार उठा सकते हैं। योजना के तहत ऊना जिला में 350 कामगार पंजीकृत किए गए हैं। योजना का लाभ घरेलू कामगार, बोझ उठाने वाले, भट्टे पर काम करने वाले, मोची कचरा उठाने वाले, धोबी फेरी वाले, कृषक कामगार, मिड डे मील वर्कर इत्यादि, इन लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा। योजना का लाभ लेने के लिए कामगार को न्यूनतम 55 रुपए और अधिकतम 200 रुपए आयु अनुसार देना होगा। प्रोफेसर राम कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के छोटे तबके के विकास के लिए इस योजना की शुरुआत की है। राम कुमार ने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में भ्रष्टाचार चरम पर था, लेकिन एनडीए सरकार ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाकर सरकारी पैसे को गरीब लोगों के उत्थान के लिए प्रयोग किया है। केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बनी है। 2014 से देश में घोटाले भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है और लाखों करोड़ों रुपए बचाकर आज केंद्र की मोदी सरकार गरीबों, किसानों, मजदूरों में बांटने का प्रयास कर रही है, जिसमें बड़ी सफलता सरकार को मिल रही है। लगभग 5-6 लाख करोड़ इस देश का ऐसा रुपया था जो चाहे वो कोल घोटाला था, चाहे वो 2G घोटाला था, या जो 6 करोड़ इस देश में जाली फर्जी लोग गरीब किसान मजदूर की सब्सिडी खा रहे थे, तो वो बंद कर कर एक बड़ी राशि केंद्र सरकार ने बचाई। अब उस राशि का इस्तेमाल चाहे किसानों को साल का 6000 रुपये उनके खाते में डालकर देकर सरकार कर रही है, और आज ही एक बहुत ही बड़ी योजना जिसमें देश के जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रहने वाले मजदूर हैं, तो मजदूरों के लिए एक पेंशन योजना केंद्र सरकार लेके आई है, और जिसके तहत 60 साल की उम्र पूरी करने के बाद 3000 रुपया पेंशन एक मजदूर को मिलेगी। तो एक बहुत ही बड़ी योजना है केंद्र सरकार की, उस प्रदेश के देश के करोड़ों लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है।